हेलो गाइस, आप मेरा चैनल देख रहे हो शेरा व्लॉग। और आज मैं नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। और आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारा मोती बख्श साहिब, जो 10वें गुरु जी का गुरुद्वारा है। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ पड़ा है, तो आज हम आप मौसम का भी आनंद ले सकते हो। और सुबह अभी 6:53 हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और तो प्लीज़ जो मेरे पहली बारी चैनल पे आ रहे हो, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, मैं वीडियो बनानी बिल्कुल बंद कर दूंगा। तो प्लीज़ करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये रास्ता दिल्ली कैंट का है, नराना साइड पे भी जा सकता था, बट मैं दिल्ली कैंट से इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ पे जाम नहीं मिलता बिल्कुल भी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना धोला कुआं है, पानी पानी भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा ही पानी भरा हुआ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा मोती बख्श साहिब। आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो तो ये लंगर हॉल है, ये गुरुद्वारा मोती बाग साहेब 10वें गुरु जी का है। तो ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह जी का, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे लाल किले, यहाँ से 10 किलोमीटर लाल किला, तो लाल किले पे यहाँ पे उन्होंने तीर मारा था, वो तीर स्थान भी है। और तीर मारा था और बादशाह को बताया था मैं दिल्ली आ चुका हूँ, तो वही स्थान है ये यहाँ पे ऐतिहासिक। तो आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। और बहुत बारिश आ रही है। तो गुरुद्वारा यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हुई है, पूरी बिल्डिंग बनी है, आप देख सकते हो। और ये गुरुद्वारा तीर स्थान की जगह है जहाँ पर तीर मारा था गुरु जी ने। अभी कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है, मतलब दोबारा बिल्डिंग तोड़ के दोबारा कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो गाइस, मैंने प्रसाद लिया है, देख सकते हो जी, बारिश बहुत मतमात हमने देख लिया। अब लंगर सकेंगे, यहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। गाइस, आपने मेरा ये व्लॉग देखा गुरुद्वारा मोती बाग साहब जी का। और अब मैं, ये छोटा सा व्लॉग था गाइस आपके लिए, तो प्लीज़ जो मेरे चैनल को पहली बार ही आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करना गाइस। और अगली वीडियो में मिलते हैं कोई नई सी जगह पे। थैंक यू।